योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से एलोपैथी पर दिए गए बयान पर बवाल अभी तक थमा नहीं है। डॉक्टर्स की नाराजगी लगातार उनके बयान को लेकर बढ़ती जा रही है। इसी के चलते कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स ने मंगलवार को ब्लैक डे मनाया। इस दौरान चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर मरीजों को सेवाएं दी। आईएमए के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने बताया कि कोटा के सभी डॉक्टर्स बाबा रामदेव के द्वारा कोविड 19 में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर्स का उपहास उड़ाने वाले बयान से आहत महसूस कर रहे हैं। हम किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं हैं। बाबा रामदेव को अपना काम करना चाहिए। वैक्सीन को गलत बताना, सरकार द्वारा निर्धारित इलाज की प्रक्रिया को गलत बताना, इससे आम लोगों में संदेह की भावना जागृत होती है। ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। आज राज्य भर में देशव्यापी आह्वान पर राज्य भर में सेवारत चिकित्सकों के साथ साथ आईएमए द्वारा भी बाबा रामदेव के विरोध स्वरूप ब्लैक रिबन, ब्लैक मास्क, ब्लैक टोपी या ब्लैक कपड़ों में प्रदर्शन किया गया है। मुख्यतः बात यह है कि बाबा रामदेव द्वारा जिन चिकित्सकों ने करोड़ों जनता को बचाया और जो चिकित्सक बचाते बचाते शहीद हो गए, उन दिवंगत चिकित्सकों का अपमान किया। हमें किसी पैथी से कोई तकलीफ़ नहीं है। हमने कभी भी आयुर्वेद पैथी या योगा पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो खासम खासे भारत सरकार के प्रधानमंत्री के बाबा रामदेव ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करे, ये कतई जायज़ नहीं है। बाबा की ऐसी टिप्पणियों से लोगों में भ्रम पैदा होता है। कोरोना वैश्विक महामारी इतनी खतरनाक है कि पूरा हिंदुस्तान उस बीमारी से जूझ रहा है, और ऐसे समय में आकर बाबा का ये कृत्य कतई माफी करने योग्य नहीं है। इनके विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट में व आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर लगातार डॉक्टर्स की नाराजगी बढ़ती जा रही है, और इसी के चलते आज कोटा में डॉक्टर्स ने जहां पर अपना विरोध दर्ज करवाया, उसी के साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर मामला दर्ज करवाने और उनकी जल्द गिरफ्तारी की भी मांग उठाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।